एपिसोड की शुरुआत पैलेस से होती है, जहाँ पे किंग का हाथ रिकवर हो चुका होता है और किंग कमोगी के साथ गुंगी खेल रहा होता है। यहाँ पे कमोगी फिर से जीत जाती है, लेकिन कमोगी की हालत बहुत बुरी होती है, वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और शाहपुप सोचता है कि अब ये बहुत ज्यादा थक चुकी है तो किंग इसको एक या दो बार में आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन तभी किंग खड़ा हो जाता है और उठ के यहाँ से निकलने लगता है और बोलता है कि ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम दोपहर के बाद फिर से गेम खेलेंगे। लेकिन कमोगी बोलती है कि मैं अभी और भी गेम खेल सकती हूँ और किंग बोलता है कि मैं एक हारे हुए इंसान को, थके हुए इंसान को हरा के सेटिस्फाई फील नहीं करने वाला, जाओ अच्छे से आराम कर लो। इतना बोलने के बाद किंग यहाँ से निकल जाता है और शाओपुप सोचता है कि जब किंग का हाथ कट गया था उसके बावजूद भी वो खेल रहे थे, लेकिन अचानक से उनको क्या हुआ, उन्होंने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। इसके बाद कमोगी भी उठ के रेस्ट के लिए यहाँ से निकल रही होती है और शाओपुप सोचता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाता है ताकि ये इसको खत्म कर सके। लेकिन अचानक से हम देखते हैं इसका बुक नीचे गिर जाता है और शाओपुप बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद कमोगी आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं शाओपुप को, जिसने अपने एक हाथ से दूसरे को पकड़ा होता है ताकि ये अपने आप को कंट्रोल कर सके और ये सोचता है कि मैं इसको अभी नहीं मार सकता, मैं इतना बेवकूफ नहीं बन सकता। किंग इसको हराना चाहते हैं और हरा के गुंगी का चैंपियन बनना चाहते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे मार दूंगा तो फिर किंग कभी भी इसको हरा नहीं पाएंगे और किंग का सपना सपना ही रह जाएगा और ये एक दाग से कम नहीं होगा किंग के जिंदगी के अंदर। इसके बाद शाओपुप रोने लगता है और रोते हुए ये वायलिन बजाता है और बजाते हुए सोच रहा होता है कि ये जो मैंने गलती करी है, इस गलती के लिए मुझे सजाए मौत मिलना चाहिए। जैसे ही किंग एक बार इस दुनिया के अंदर राज करना शुरू कर देंगे उसके बाद मैं अपनी जान खुद ले लूंगा। आगे शाओ को यूपी दिखता है जिसको घंटा को समझ में नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं नकल और उसकी कंपनी को, जहां पे नकल समझा रहा होता है कि नोप की जो पोर्टल है उसके जरिए हम सात लोग अंदर जाएंगे, जिनमें से शूट, मैं, मिलियोरन, इकालगो, गॉन, किलुआ और आखिरी में मोरेल आएंगे। इसके थोड़ी देर बाद चेयरमैन नथोरो पीछे से पीटो की एंड से बचते हुए वहां पे आ जाएंगे और तभी हमें किंग को रॉयल गार्ड से दूर करना होगा। गॉन, किलुआ और इकालगो पैलेस के अंदर पहले जाएंगे और जैसे ही दुश्मन तुम्हें देखेंगे वैसे वो चौकन्ना हो जाएंगे और उसके बाद वो किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी पीछे नहीं हटने वाले। इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और तभी मिलियोरन बोलता है कि और उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। इसके बाद नकल पूरा प्लान समझाता है जिसको हमें नहीं बताया जाता, मतलब जो ऑडियंस है उनको नहीं बताया जाता, खुद आपस में वो बातें करते हैं जिसको म्यूट रखा होता है। आगे किलुआ भी अपना प्लान बताता है और किलुआ अपना प्लान बताने के बाद सवाल करता है कि किसी का कोई सवाल है और गॉन तब सवाल करता है कि पाम का क्या होगा, उसके साथ क्या होने वाला है और किलुआ सीधा जवाब देता है या तो पाम अभी भी छुपी हुई है या फिर अभी तक वो मर चुकी है, उसने अभी तक हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया तो फिर शायद इन दोनों में से कोई एक केस जरूर हुआ होगा, अगर उसको पकड़ लिया गया होगा तो फिर उसने अपनी जान ले ली होगी और हमें जाके चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रिपेयर थी अपने आप को मारने के लिए, अगर हम चेक करते हैं तो फिर ये उसके लिए एक इंसल्ट होगा। इसके बाद नकल बोलता है तुम बहुत रूड हो रहे हो किलुआ, लेकिन शूट बोलता है कि वो सच बता रहा है, गॉन बहुत ज्यादा चिंतित है पाम के लिए जो उसको नहीं करना चाहिए, इसके जरिए हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो सकता है। और नकल बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो और तब किलुआ बोलता है कि तुम घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गए जहां पे तुम पहले थे, अगर हम मान लेते हैं कि पाम अभी भी जिंदा है और उसको पकड़ लिया गया है तो फिर एनिमी को हमारा प्लान पता होगा, यानी कि हम एक सुसाइड मिशन पे हैं, जैसे ही हम पैलेस पे पहुंचेंगे वैसे ही हम खत्म हो जाएंगे। इन सब की चिंता ना करते हुए हमें पाम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और बेस्ट सिचुएशन को सोच के हमें अपना प्लान को बनाना चाहिए, वर्स्ट सिचुएशन को नहीं। इसके बाद लियोरन बोलता है कि तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन क्या हो अगर वो वैसी ही पकड़ी गई हो जैसा गॉन बता रहा है तो फिर हम एक नया प्लान भी तो बना सकते हैं। इसके बाद किलो बोलता है जरा फिर से सोचो, अगर हम गॉन की बातें मानेंगे तो फिर वो बोलेगा पाम को बचाओ, लेकिन उसको कैसे बचाना है ये बिल्कुल भी नहीं बताएगा। और उसके बाद गॉन का चेहरा दिखाया जाता है जो उतर जाता है क्योंकि ये बात सच होती है, इसके पास कोई आइडिया नहीं होता। इसके बाद नकल बोलता है कि मुझे तुम्हारा पॉइंट अब समझ में आया और आगे किलो गॉन से बोलता है कि देखो मैं समझता हूं तुम बहुत ज्यादा चिंतित हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा, जैसे ये मिशन शुरू हो जाएगा उसके बाद से तुम्हें उसको भूलना होगा क्योंकि अगर तुम एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो फिर पूरा मिशन खत्म हो सकता है और हमारे पास 2 दिन बचे हैं, उन 2 दिन के अंदर अगर पाम हमें कांटेक्ट करती है तो फिर हम कोई और रास्ता भी निकाल सकते हैं। इसके बाद पीटो वेल्फिन और ब्लस्टर से बातें करती है और एक बड़े से टावर के ऊपर चढ़ जाती है ताकि ये पूरे शहर को एक साथ देख सके और पता लगा सके कि कौन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम किंग की आवाज सुन सकते हैं जो बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नाइट को मूव कराना चाहिए या फिर राइट से निकल जाना चाहिए, और तब कमोगी बोलती है कि तुम कभी भी एक गोटी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जो पूरा बोर्ड को कंट्रोल कर सके, तुम्हें रिस्क लेना होगा वरना तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे।
और किंग बोलता है कि मुझे इस तरह से वेट करके खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी शावापुर आके बोलता है, सायर मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी है, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आना चाहेंगे? और किंग बोलता है कि नहीं, मैं नहीं आने वाला, जो बोलना है यही पे बताओ। इसके बाद शावापुर बोलता है कि नेशनल सेलिब्रेशन में 2 दिन बचे हैं, हमने जितने लोगों को सोचा था उससे ज्यादा लोग बीजिंग के अंदर पहुंच चुके हैं और वेदर का कंडीशन भी काफी अच्छा है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और तब किंग बोलता है कि सीधा पॉइंट पे आओ। इसके बाद शावा बोलता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो प्रोसेस होगा, जो शेड्यूल होगा, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना था। और किंग बोलता है कि तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो। और ये बोलता है कि फिर हमें सिलेक्शन के बाद यहां से निकलना होगा। और किंग बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा, जो करना है तुम खुद कर सकते हो, ऐसे छोटे मोटे डिसीजन के लिए मुझे परेशान मत करो और यहां से निकल जाओ, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक यहां पे बिल्कुल भी मत आना। उसके बाद ये सीधा यूपी के पास जाता है और यूपी बोलता है कि तुम्हें भी वहां से निकाल दिया गया, घबराओ मत, किंग को बस एक बार जीतने दो, उसके बाद सब सही हो जाएगा, किंग बहुत जल्द जीतने वाले है ना। और तब शावा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और यूपी बोलता है कि तुमने तो अभी अभी कहा था। और तब ये बोलता है कि हाँ मैंने कहा था, मुझे याद है, लेकिन जिस तरह से किंग इंप्रूव कर रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से ये लड़की भी इंप्रूव कर रही है, तो मैं नहीं बता सकता कि किंग कब जीतने वाले हैं। इसके बाद यूपी बोलता है घबराओ मत, किंग बहुत जल्दी जीतने वाले हैं। इसके बाद हम पीटू को देखते हैं जो एक पोल के ऊपर बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैं 100% श्योर हूं कि ये सब एक बंदे का काम है, जिसने लियोल को हराया उसी का काम है। और वेल्फिन और ब्लस्टर की बातों से भी यही लगता है, जिन सोल्जर को वो कंट्रोल कर लेता है वो स्मोक के बने होंगे, क्योंकि अगर नैन वाले होते तो फिर उनका मूवमेंट इतना अच्छा नहीं होता जितना उसका है। उसने मुझे अच्छा खासा बेवकूफ बनाया, जितने सोल्जर को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ उतना वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके पपेट्स मेरे पपेट से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद पीटो बोलती है मुझे उसे फाइट करना है, लेकिन मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकती, क्या पता शायद वो मेरे पास आ जाए मेरे से फाइट करने के लिए। और इसके बाद ये पोल के ऊपर खड़े होकर मैं म्याऊं करने लगती है, जिसको यूपी देखता है और उसको फिर से घंटा कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद नकल बोलता है कि हमें पेजिंग के अंदर जाना होगा, क्योंकि मोरेल ने डिस्ट्रैक्ट करके रखा है तो फिर एनिमी हमको देख नहीं सकता, और अभी पेजिंग के अंदर कुछ लोग भी जा रहे होंगे, हम उनके साथ ही जाएंगे और वहां पे शोर मचा देंगे ताकि ऐसा लगेगा ये सारा काम एक ही बंदे का है, और अचानक से अगर हम गायब हो जाएंगे सेलिब्रेशन के एक दिन पहले तो फिर उनको लगेगा ये किसी असैसिन का काम है जो इसी क्राउड के साथ है, और तब उनका सारा फोकस इन क्राउड के ऊपर हो जाएगा और हम पैलेस के अंदर जा पाएंगे आसानी से। किंग जरूर तीसरे माले से अपने थ्रोन रूम से देख रहा होगा सिलेक्शन प्रोसेस को, और तब किलुआ सोचता है कि क्या सच में वो वहां पे होगा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इसके बाद किंग और कमोगी दोनों गूंगी खेल रहे होते हैं, जहां पे ये कुछ दाव चलती है और वो भी कुछ दाव चलता है, और उसके बाद अचानक से किंग सोचता है कि ये हर जगह पे अटैक करिए जहां पे मैं वीक हूं, अचानक से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, लेकिन इससे मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही, उल्टा मुझे तो मजा आ रहा है इस गेम के अंदर, शायद मैं उससे सीख रहा हूं अभी इस गेम के बारे में, जिसका मतलब ये है कि ये अभी मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस गेम के अंदर, ये और कितनी ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है। और इसके बाद कमोगी बोलती है, सुप्रीम लीडर मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, बहुत सारे गूंगे के मूव मेरे दिमाग के अंदर फट रहे हैं। और उसके बाद किंग जब इसको देखता है तो इसकी पूरी बॉडी के अंदर से ऑरा फ्लो हो रहा होता है, यानी कि समहाउ इसके अंदर भी जो नैन था वो अब स्टार्ट हो चुका है, वो बाहर आ चुका है। इसके बाद किंग सोचता है कि ये ग्लो कर रही है, मतलब ये तो अभी शुरुआत है। और उसके बाद किंग अपने डिफीट मान लेता है, वो हार जाता है। इसके बाद कमोगी बोलती है कि मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, और तब किंग सोचता है कि इसने कभी ब्रेक कभी नहीं मांगा, लेकिन अभी क्यों? और तब ये पूछता है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? और कमोगी बोलती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे जाके इन मूव को लिखना है। और तब किंग बोलता है लेकिन तुम देख नहीं सकती, और कमोगी बोलती है कि नहीं मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, बस मुझे इन पीसेस को मूव कराना है, और मैं कभी नहीं भूलती कि मैंने कौन सा पीस कहां पे रखा था, मुझे सब कुछ याद है। और तब किंग सोचता है कि इसको सब कुछ याद है, हर मूव इसको याद है। इसके बाद किंग बोलता है ठीक है तुम जा सकती हो, और कमोगी इसको थैंक यू बोल के आगे बढ़ने लगती है। और तभी किंग के दिमाग के अंदर एक सवाल आता है जो वो पूछना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत ही बकवास सवाल है, लेकिन उसके बावजूद वो पूछ लेता है, और वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? और कमोगी बोलती है क्या आप मुझसे बातें कर रहे हैं? और किंग बोलता है कि तुम्हारे सिवा कोई और यहां पे है क्या? और उसके बाद कमोगी बोलती है कि मेरा नाम कमोगी है। इसके बाद कमोगी सवाल करती है कि सुप्रीम लीडर आपका नाम क्या है? और इसको सुनने के बाद किंग के आंखें चमक जाती है, क्योंकि इसको इसके नाम के बारे में नहीं पता होता, ये सोचता है कि क्या बुलाते हैं लोग मुझे। इसके बाद किंग पीटो शावपुफ और यूपी के पास जाते हैं और पहले सवाल करते हैं शावपुफ से कि इनका नाम क्या है। इसके बाद शावपू बोलता है कि आप हमारे किंग है, आपका कोई नाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे घुसपैठियां हैं जिन्होंने आपका नाम इस्तेमाल किया है बिना आपको पूछे, हम उन सबको खत्म कर देंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि किंग सिर्फ एक है और वो
आप हो। अगर तुम उन सबको खत्म कर दोगे जिनका नाम किंग है, तो फिर किंग एक नाम नहीं है, वो एक टाइटल है, और टाइटल बदल सकते हैं। मेरा नाम क्या है? इसके बाद किंग यूपी से सवाल करते हैं और यूपी बोलता है कि ये मेरे दिमाग से बाहर है, आप ऐसा सवाल मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद किंग पीटो से भी सवाल करते हैं और पीटो बोलती है कि आपकी फीलिंग मैटर करती है, हम आपके लिए एक अच्छा सा नाम ढूंढ सकते हैं, एक बार ये सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होने दो, उसके बाद आपको आपके मन मुताबिक एक नाम हम दे सकते हैं। इसके बाद शाओपू बोलता है कि सायर क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, हम इसलिए तो हैं। और उसके बाद किंग बोलता है कि कमोगी की पूरी बॉडी ग्लो कर रही थी और शाओपू पूछता है कि कमोगी कौन है, और तब किंग बताता है कि वो जो अंधी लड़की है जो गूंगी खेलती है वही कमोगी है। इसके बाद शाओ सोचता है कि किंग ने एक इंसान का नाम याद रखा, और तब किंग बोलता है कि शायद वो अवेकन हो चुकी है, यानी कि अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, लेकिन सिर्फ गूंगी के अंदर। इसके बाद किंग सवाल करते हैं पीटो से कि अगर कमोगी को सिलेक्शन प्रोसेस में डाला जाए तो फिर उसका क्या होगा, और पीटो जवाब देती है कि वो मर जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं, तो फिर कमोगी मर जाएगी। इसके बाद किंग बोलता है कि कमोगी से मैंने एक बात सीखी है कि ताकत अलग अलग तरह की होती है। अगर एग्जांपल दूं, जब हम ट्रिप पे थे तब मैंने एक छोटी से लड़के को मार दिया था, वो छोटा लड़का किसी और फील्ड में मुझे हरा सकता था। और तब शाओपू सोचता है कि किंग ऐसा प्लीज मत सोचो, आप पश्चाताप नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं हो। इसके बाद किंग बोलता है कि उसको मारने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं थी, मैंने उसको बेवजह मार दिया। और यहाँ पे शाओपू सोच रहा होता है कि आप रिग्रेट नहीं कर सकते, आप महान किंग हो, आपके ऊपर ये सब शोभा नहीं देता। इसके बाद किंग बोलता है मैं हूँ, और उसके बाद वो अपना इंटेंसिफाइड ऑरा दिखाने लगता है, जिसको देखने के बाद तीनों के तीनों रॉयल गार्ड हैरान, परेशान और साथ में खुश भी हो जाते हैं, उनका किंग है ना तो खुश तो होंगे ही। इसके बाद किंग हंसते हुए बोलता है कि मैंने उसे बेवजह मारा क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, ये ताकत मेरी है, मैं अपनी मर्जी से किसी को भी खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, जिसको चाहूँ उसको मार दूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, यही मेरी ताकत है, और दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई है तो फिर वो मैं हूँ। इतना बोलने के बाद किंग यहाँ से चले जाते हैं और शाओपू रो रहा होता है, ये बोलता है कि मैं रॉयल गार्ड बनने के लायक नहीं हूँ, और यूपी पूछता है कि तुम्हें अब क्या हो गया, और ये बताता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ जो बहुत जल्दी कंक्लूजन में पहुंच जाता है, मुझे लगा था कि किंग पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। इसके बाद यूपी बोलता है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, और तब पीटो बोलती है कि किंग थोड़े से बदले तो हैं उस लड़की के आने के बाद, और यूपी बोलता है कि अगर वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो फिर हम उसको खत्म कर देंगे। और उसके बाद शाओपू के आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि चलो कोई तो है जो उसकी तरह ही सोचता है। इसके बाद हम देखते हैं किंग को जो आगे बढ़ रहा होता है और सोचता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर मेरी पावर है, मेरी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता, कमोगी सिर्फ एक नॉर्मल लड़की है जो एक गेम के अंदर माहिर है, जिसका नाम है गूंगी, और गूंगी कोई बड़ा सा गेम नहीं है, वो एक नॉर्मल सा बोर्ड गेम ही है, मैं जब चाहूं उसको मार सकता हूं, वो कोई ताकतवर नहीं है, उसकी जिंदगी मेरे मूड पर डिपेंड करता है, अगर मैंने अपना मन बना लिया तो फिर मैं उसको एक चुटकी के अंदर ही खत्म कर सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर ये झिझक कैसी, मैं सिर्फ उसके साथ गेम इसलिए खेल रहा था ताकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जितना टाइम लगेगा उसको जल्दी से खत्म कर पाऊं, अभी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने ही वाला है, मैंने बहुत ज्यादा गेम खेल लिया है, तो फिर मुझे उसकी अब जरूरत नहीं है, मैं उसको जाके खत्म कर दूंगा। इसके बाद किंग कमोगी का दरवाजा खुलता है, जहां पे वो दिखता है कि एक चील कमोगी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और उसके बाद किंग भी अटैक कर देता है, लेकिन कमोगी के ऊपर नहीं, उस चील के ऊपर, उस चील को वहीं पे खत्म कर देता है। इसके बाद कमोगी इसको शुक्रिया अदा करती है, और किंग बोलता है कि तुमने किसी को मदद के लिए बुलाया क्यों नहीं, देखो तुम्हारे पूरे बदन से खून निकल रहा है। इसके बाद किंग सोचता है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि ये कितना सॉफ्ट क्रिएचर है, और उसके बाद कमोगी बोलती है कि ये बहुत जल्दी है, सब सो रहे होंगे, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, और किंग बोलता है कि परेशान करना नहीं चाहती, तुम मेरी गेस्ट हो, और दिल के अंदर सोचते हैं कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या हो गया है, मैं इसको मारने के लिए ही तो आया था। और उसके बाद कमोगी फूट फूट के रोने लगती है, और किंग पूछता है कि अब क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, और ये बताती है कि मेरे साथ कभी किसी ने इतना अच्छी तरह से बिहेव नहीं किया। इसके बाद कमोगी और भी ज्यादा फूट फूट के रोने लगती है, और किंग सोचता है कि ये किस तरह का क्रिएचर है, आखिरकार मैं इससे क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इसके साथ आखिरकार करना क्या चाहिए, यानी कि किंग को सच में यहाँ पे कुछ तो हो गया है, कमोगी और किंग के बीच में कोई तो एक बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये इसको मार नहीं पाया। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताओ ग्रिड आइलैंड के अंदर हिसोका ग्रिड आइलैंड के अंदर किस नाम से गया था, ऑब्वियसली वो अपने नाम से नहीं गया था, किसी और के नाम से गया था, उसका नाम कमेंट में लिख देना। और दोस्तों अगर मेरी तरह आपको भी लगता है कि शाओपू बहुत ही ज्यादा नरम दिल रॉयल गार्ड है, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए।